हेलो ऑल, वेलकम टू पेबल्स। आज हम चैप्टर लेने जा रहे हैं, वो लेने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 टिक 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 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दैट इज टाइम से रिलेटेड थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला मेरा क्वेश्चन है, राइट द टाइम इन 3 वेज। आप यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपके लिए एक क्लॉक बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि जो उस पर टाइम है वो आप कैसे लिख सकते हैं डिफरेंट वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपके लिए बोर्ड पर क्लॉक्स ड्रॉ कर दूंगी और फिर हम उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, तो मैंने आपके लिए ये क्लॉक्स ड्रॉ कर ली हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम एक ही टाइम को 3 वेज में कैसे लिख सकते हैं। अब अगर आप सबसे पहले देखिए तो इधर जो आर हैंड है वो है 1 पर, और मैं थोड़ा प्रॉपरली करती हूँ कि आपको समझ आए। अभी क्लियर होगा आपको कि जो आर हैंड है वो है 1 पर और मिनट हैंड है 3 पर। तो आपको एज यूजुअल पता है आर हैंड अगर 1 पर है तो वो होगा 1, और मिनट हैंड है अगर 3 पर तो हम 5 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15। तो टाइम होगा 1:15। अब जो दूसरा वे है लिखने का वो है 1:15। अब जो ये कंसेप्ट है 1:15, 1:15 का, वो मैं आपको समझाना चाहूंगी। ये इसके लिए मैं आपको क्लॉक से हटकर एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। फॉर टाइम बीइंग हम इसे होल्ड पर रखते हैं और मैं आपको वो बताना चाहूंगी। आप सपोज करिए आपके पास एक चपाती है। ओके, चपाती को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, तो चलिए 4 में मत करिए, पहले आपके पास एक सिंगल छोटा सा चपाती है। ओके ओके, आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ चपाती ये और हाफ चपाती ये। अब ये हाफ का भी हाफ कर दीजिए तो मतलब कितने पीसेस हो गए, 1 2 3 4। मतलब एक जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया है, 1/4 पार्ट आया है। मतलब 4 क्वार्टर्स मिलके एक फुल चपाती बनाएगा, लेकिन जब हम उन्हें 4 पार्ट्स में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें क्लॉक पर तो ये भी कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज 15 15 मिनट्स में। कैसे, बिकॉज 15 4 20 सॉरी 15 4 60। तो 15 मिनट्स का ये एक पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, मतलब जब 6 तक सुई पहुँचती है, पहले सुई मिनट हैंड चलना शुरू हुआ 12 से, चलते चलते यहाँ पर आया 3 पर, तो क्या हुआ, 1/4, मतलब चपाती का इतना हिस्सा हुआ है। ओके, फिर यहाँ से चला, फिर 6 पर पहुँचा, मतलब यहाँ तक पहुँच चुका है, हाफ हो गई है, तो हाफ टाइम आपका कवर हो गया। फिर 6 से चलते चलते 9 पर पहुँचा, तो मतलब चपाती का ये हिस्सा अब बस कंप्लीशन पे है, मतलब 1/4 2, मतलब यहाँ पे बस कंप्लीट हो जाएगी ये चपाती। तो इसी तरह से यहाँ पर जाके पूरा आपका आर फिनिश हो जाएगा। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा 1/4 का। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने यहाँ पे लिखा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 3 वेज से बताऊंगी, ये तो अभी 2 वेज हुए हैं। अब जो 3rd वे है वो क्या होगा, 45 मिनट्स टू टू। आप देखें तो 60 मिनट का 1 आवर होता है, 60 में से 15 मिनट्स तो माइनस कर दीजिए तो आपके पास 45 ही बचेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाले में आर हैंड है 11 पे और मिनट हैंड है 6 पे, दैट इज टाइम इज यस 11:30। अब ये तो है 11:30 टाइम, अब क्या हो गया है नेक्स्ट,
हाफ हाफ पास्ट 11, मतलब हाफ टाइम कवर हो चुका है, 11 ओ क्लॉक हुए हुए। अब नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 30 मिनट्स टू 12, क्योंकि आफ्टर 30 मिनट्स क्या हो जाएगा, 12 ओ क्लॉक। तो हम क्या लिखेंगे, मिनट्स टू 12। इसी तरह से थर्ड वाला अगर आप देखें तो आर हैंड और मिनट हैंड दोनों 9 पर है, तो टाइम क्या हो रहा है, यस 8:45। अब 8:45 हो रहा है, यहां पर अगर आपने देखा था तो 1 ओ क्लॉक होने के 15 मिनट्स बाद हमने लिखा था क्वार्टर पास्ट 1, तो वहां पे अभी 15 मिनट्स बाकी हैं 9 होने में, तो हम लिखेंगे क्वार्टर टू 9, मतलब 2 अभी होने वाला है क्वार्टर, तो क्वार्टर क्वार्टर टू 9। और जो हम थर्ड वे में लिखेंगे वो लिखेंगे 15 मिनट्स टू 9, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 45 मिनट पास्ट 8, मतलब 8 बचे हुए 45 मिनट्स पास हो चुके हैं। तो इस फॉर्म में 3 डिफरेंट वेज में आप टाइम को बता सकते हैं। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द हैंड्स टू शो द गिवन टाइम। अब मैं आपके लिए कुछ क्लॉक्स बनाऊंगी, नीचे टाइम मेंशन करूंगी और उसमें हमें आर और मिनट हैंड बनाना है कि हम प्रॉपर टाइम शो कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपके लिए लिख देती हूँ क्वेश्चंस और फिर हम सॉल्व करेंगे आंसर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिख दिए हैं बोर्ड पे, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्लॉक देखते हैं, इधर लिखा हुआ है हाफ पास्ट 2, मतलब हाफ टाइम पास हो चुका है 2 बजे हुए, तो क्या होगा, यस टाइम है 2:30। ये हमें समझ आ गया है, हाफ पास्ट 2 मीन्स 2:30, तो जो मिनट हैंड होगा वो थोड़ा सा 2 से खिसकेगा और आर हैंड आ जाएगा 6 पर, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ पास्ट 2 या फिर 2:30। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वार्टर पास्ट 1। अभी मैंने आपको अपने लास्ट क्वेश्चन में ही समझाया था क्वार्टर का कैसे रहेगा, तो क्वार्टर पास्ट 1 क्या होगा आपका, 1:15, तो हम वॉच पर शो करेंगे 1:15। आर हैंड 1 पर और मिनट हैंड 3 पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टर टू 7। क्वार्टर टू 7 मीन्स 15 मिनट्स टू 7, मतलब 6:45, 45 मिनट्स पास्ट 6, तो चलिए करते हैं शो क्लॉक पर। इस तरह से, मतलब जो आर हैंड है वो पूरा 7 पर नहीं जाएगा लेकिन 7 की तरफ आएगा। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर टू 7 इज डन। अब नेक्स्ट है 3:56, मतलब 3:56 इस तरह से है कि आपका 4 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, तो चलिए करते हैं। ये मतलब होगा कि बस अब 4 पर आर हैंड टच ही करने वाला है, और 11 पर होती तो 3:55 होते, अब 56 है तो सिर्फ 1 पॉइंट आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप क्लॉक्स पर टाइम शो कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द टाइम।
अब आपको मैं कुछ क्लॉक्स बनाऊंगी तो आपको टाइम बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, व्हाट इज द टाइम। अब यहां पर देखिए दो क्लॉक्स आपको नजर आएंगी, एक क्लॉक में टाइम मैंने दिखाया है, एक क्लॉक में नहीं दिखाया है। तो क्या कंसेप्ट है पहले मैं वो समझा देती हूँ। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 2:45 है, ओके, और मैंने यहाँ पर लिखा है 2 आवर्स लेटर। तो इस क्लॉक पर आपको शो करना है वो टाइम जो 2:45 के 2 आवर्स बाद का टाइम है। दैट मीन्स लेटर, अर्लियर मीन्स पहले और लेटर मीन्स बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर 2:45 है, ठीक है। अब 2 आवर्स मीन कि 2 बार ये जो पूरा हैंड है वो घूमेगा। तो जब पहली बार घूमेगा 9 से चलता 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 वापस 9 पर आएगा, तब टाइम होगा 3:45, ओके। अब फिर दोबारा चलेगा क्योंकि 2 आवर्स है तो 2 बार चलेगा, फिर दोबारा चलेगा तो टाइम हो जाएगा 4:45, ओके। तो अब यहाँ पे हमें क्या शो करना है, 4:45। तो चलिए करते हैं। तो इस तरह से हम क्लॉक पर 2 आवर्स लेटर का टाइम शो कर देंगे। अब यहाँ पर 1 आवर लेटर है और टाइम हो रहा है 6:15। तो 1 आवर लेटर आप सबको पता है क्या हो जाएगा, यस 7:15। तो उधर हम ड्रॉ करेंगे 7:15। कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है 7:20। 7:20 पर वहां पे लिखा है 2 आवर अर्लियर, मतलब 2 घंटे पहले। तो अब हम क्लॉक उल्टी घुमाएंगे, 7:20 सेवन से 2 आवर पहले चले जाइए, दैट इज 6:20 एंड 5:20। तो 2 आवर्स पहले हो जाएगा 5:20। तो इस तरह से आप टाइम बता सकते हैं जैसे आपको मेंशन किया जाएगा, जितने आवर्स लेटर या अर्लियर। आई होप सो आपको ये अच्छे से पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट एएम और पीएम अगेंस्ट द फॉलोइंग। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी और उसके आगे आपको लिखना है कि टाइम दूंगी मैं एएम है या पीएम। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो आपको एएम लिखना है, इवनिंग का टाइम है तो आपको पीएम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है वो है ब्रेक टाइम एट स्कूल 10:50। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि किस तरह से है। इस तरह से लिखा होगा, ब्रेक टाइम एट स्कूल 10:50। अब आगे आपको लिखना है एएम या पीएम। ऑब्वियसली स्कूल मॉर्निंग का होता है तो मॉर्निंग के हम क्या लिखेंगे, यस एएम। इसी तरह से और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिखूंगी और उसके आगे हम लिखेंगे एएम और पीएम। तो चलिए मैं पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख देती हूँ और फिर हम लिखेंगे एएम एंड पीएम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिख दिए हैं, अब हम इनके आंसर्स लिखेंगे। वैसे तो मैं आपको एएम और पीएम का कंसेप्ट पहले बता चुकी हूँ लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम पे, बट फिर से मैं दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ कि दोपहर को 12 बजे से पहले जो भी टाइम होगा दैट इज 11:59 तक वो रहेगा एएम, और दिन के 12 बजे से लेके रात के 11:59 तक जो टाइम रहेगा उसके आगे हम लगाएंगे पीएम। तो अब शुरू करते हैं। लंच टाइम 1:30। लंच टाइम दिन में होता है तो मैंने आपको बताया है दोपहर को 12 बजे के बाद से हम पीएम लगाते हैं, तो इधर आएगा पीएम। अब नेक्स्ट देखते हैं, बेड टाइम 9:30।
बेड टाइम हम रात को ही सोते हैं, सुबह के तो 9 बजे 9:30 बजे नहीं सोएंगे, तो वहां पे आएगा पीएम। प्ले टाइम आफ्टर स्कूल 5, ऑब्वियसली शाम को खेलने जाते हैं आफ्टर स्कूल तो 5 PM होगा। 11:30 इन द नाइट, 11:30 इन द नाइट रात के 11:30, दैट मीन्स PM। 3:30 इन द मॉर्निंग, 3:30 इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह सुबह का टाइम, तो रात को 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे तक मैंने आपको क्या बोला है AM होगा, तो 3:30 इन द मॉर्निंग मतलब थोड़ा रात थोड़ा दिन तो टाइम होगा AM। आप एक बार इस क्वेश्चन की तरफ फुल लुक दे सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द टाइम, यूज AM और PM। अब टाइम क्या है हमें वो लिखना है और AM और PM को यूज करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है पुराने क्वेश्चन से, तो चलिए पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1 आवर बिफोर 11:10 AM, मतलब 11:10 AM बजने से 1 घंटे पहले क्या टाइम था? तो ऑब्वियसली AM ही होगा, 11:10 AM, 10:10 AM। क्लॉक को घुमा लीजिए, पहले एक डिजिट ले आइए, तो 11 से पहले क्या आएगा, 10। तो टाइम तो यहाँ पे सेम रहेगा, मिनट हैंड, तो सो टाइम होगा 10:10, तो AM ही आएगा। इसी तरह से और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिखूंगी और उनका आगे हम टाइम मेंशन करते हैं। तो पहले मैं आपके लिए सब क्वेश्चंस नोट डाउन कर देती हूँ, तो चलिए फिर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 आवर आफ्टर 11:20 AM, 11:20 AM के 1 घंटे बाद, क्योंकि आफ्टर लिखा है, तो टाइम होगा 12:20। तो 12:20 मीन्स AM अगर 11:20 है, तो मैंने अभी आपको बताया था 12 बजे के बाद हो जाता है PM, तो यहाँ पे क्या होगा, 12:20 PM। ओके, अब 4 आवर्स बिफोर 2 AM, मतलब 2 AM रात के 2 बज रहे हैं, उससे पहले 4 आवर्स, तो क्या होगा, 2 से पहले 1, 12, 11, 10, तो मतलब 10 o'clock हो रहे हैं, तो 12 बजे से पहले आ रहा है 10 o'clock, तो क्या होगा, PM। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इन बातों की तरफ। 3 आवर्स आफ्टर 9:15 AM, 3 घंटे 9:15 AM के बाद, 3 घंटे क्या होंगे, 10:15, 11:15, 12:15, तो 12 बजे के बाद का टाइम है, तो आएगा वहां पर PM। आफ्टर 11:30 PM, 12:30, 1:30, 11:30 PM मीन रात का टाइम है, तो 12:30 और 1:30 दैट मीन्स AM हो जाएगा। टू आवर्स बिफोर 10:20 है, 2 आवर्स बिफोर 10:20 AM मीन्स 9:20, 8:20 AM। थ्री आवर्स आफ्टर मिडनाइट, अब मिडनाइट होता है रात के 12 बजे के बाद, तो 3 आवर्स क्या होगी, 1, 2, 3, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, 3 AM। तो आप एक बार लुक दे सकते हैं इसकी तरफ। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हाउ मेनी मिनट्स हैव पास्ड बिटवीन, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें बताना है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में कितने मिनट्स पास हुए हैं। अभी तक तो हम इजली कर रहे थे, 1 आवर 2 आवर तो हमारा इजली आ रहा था,
अब हम देखेंगे कि कितने मिनट्स पास हुए हैं। तो चलिए पहले मैं आपके लिए लिखती हूँ क्वेश्चन और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाउ मेनी मिनट्स हैव पास्ड बिटवीन। अभी तक हम आज का टाइम कर रहे थे, अब हमें बताना है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में कितने मिनट्स पास हो चुके हैं। कैसे? 3 o'clock एंड 3:15। अब ये कैसे बताएंगे? मैं आपको क्लॉक बनाकर यहाँ पे शो करती हूँ कि हमें कैसे बताना है। अगर अभी तक आप पूरा क्लियर हो गए होंगे तो आप ओरली भी कर सकते हैं, बट मैं फिर से एक बार अच्छे से बता रही हूँ आपको। 3 o'clock एंड 3:15। तो ये हो रहा है यहाँ पर 3 और नेक्स्ट है 3:15, तो दैट मीन्स 3:15। ओके, तो कितने मिनट्स पास हुए हैं 3 से 3:15 होने में? दैट इज 15 मिनट्स। तो हम वहां पे अब लिख देंगे 15 मिनट्स। तो आई होप सो आपको अभी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है 4:30 एंड 4:45। तो मतलब 4:30 विल बी 4:30 4:30 और 4:45 मीन्स 4:45। तो टाइम कितने मिनट्स बीते हैं? यस, 15 मिनट्स अगेन। अब 5:10 एंड 5:25। फाइव टेन और 5:25 के बीच में कितना है? 1, 2, 3, दैट मीन्स 15 मिनट्स अगेन। अब नेक्स्ट 9:15 एंड 9:15। अब 9:15 मीन्स 8:45 और 9:15 मीन्स 9:15। पूरा हाफ एन आवर का डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स हाफ एन आवर मीन्स इक्वल टू 30 मिनट्स। नेक्स्ट है 1 o'clock एंड 20 मिनट्स पास्ट 1। तो पहले मैं ड्रॉ करती हूँ। तो 1 o'clock और 20 मिनट्स पास्ट 1, दैट मीन्स 20 मिनट्स ही होगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ये सिर्फ क्लॉक्स मैंने आपके रेफरेंस के लिए बताई थी। आप चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते। होपफुली आपको ये पैटर्न क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, शुरू करते हैं। हाउ मेनी आवर्स हैव पास्ड बिटवीन। अब एक चीज ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे सुबह के 7 बजे से लेके रात के 7 बजे तक, दैट मीन्स 7 AM से लेके 7 PM तक,
कितने आवर्स कवर होंगे? 12 आवर्स, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 7 AM तक कवर होंगे 24 आवर्स। तो AM से PM पे जब आते हैं या PM से AM पे जब जाते हैं तो कवर होते हैं पर्टिकुलरली 12 आवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 AM एंड 1 PM, 11 AM एंड 1 PM में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मीन्स 2 आवर्स। 11 AM, 12 PM, 1 PM, तो हो जाएगा 2 आवर्स। फाइव ए एम एंड सेवन पी एम करते हैं। 5 AM से 5 PM तक हो गए आपके 12 आवर्स, 6 PM, 7 PM, दैट मीन्स 14 आवर्स। 12 midnight to 3 PM, 12 midnight to 3 PM means 12 AM से 3 PM तक। तो 12 AM से 12 PM तक हो गए 12 आवर्स, और उसके आगे आप 3 आवर्स और ऐड कर दीजिए क्योंकि है 3 PM, 1, 2, 3, दैट मीन्स 12, 13, 14, 15। 10 AM to 10 PM, मैंने आपको बताया है एक सर्कल काटने में कितना लगता है वॉच को टाइम, 12 आवर्स। 1 AM and 2:20 PM, 1 AM से 2:20 PM, 1 AM और 1 PM तक 12 आवर्स, और 2:20 PM मीन्स 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 10:30 AM and 4 PM, 10:30 AM से 4 PM अगर आप चाहते हैं, 10:30, 11:30, 12:30 PM हो जाएगा, 1:30, 2:30, 3:30, 5 आवर्स एंड 4 मीन्स 5 1/2 आवर्स। 5 1/2 hours or 5 hours 30 minutes लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप सो आपको ये क्लियर है कि हाउ मेनी आवर्स हैव बीन पास्ट। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ डेज, कैसे मैं आपको बताती हूँ अभी क्वेश्चन लिख के। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, क्वेश्चन है ये। तो चलिए पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखती हूं और बताती हूं कि आपको बेसिकली करना क्या है इसमें। Between September 12th and September 23. अब आपको इन दोनों के बीच में जो डेज है उनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो सिंपल है, 23 माइनस अगर हम 12 कर देंगे तो हमें जो बीच का रेशियो है वो मिल जाएगा, विच इज इक्विवेलेंट टू 11। तो आंसर हो जाएगा 11 डेज। इसी तरह से बाकी सब भी आपको करने हैं। तो पहले मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख देती हूं। Between January 24 and Feb 5, तो as usual 24 minus 5 हम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, am I right? Yes, है ना, 24 minus 5 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। No, नहीं मिलेगा आपको आंसर, क्योंकि
ये देखिए, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सेम मंथ्स थे, सितंबर 12, सितंबर 23, तो उस मेन जो मंथ है उसका बीच सेम होगा, तो मैं सेम रेशियो निकाल सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे अलग अलग मंथ्स है, यहाँ पे जनवरी 24 है और यहाँ पे है फेब 5, तो अब मंथ चेंज हो चुका है, मतलब ये मंथ पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो हमें उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब जनवरी में 24 से कितने डेज होते हैं, 31 तक, सो दैट इज 24 25 26 27 28 29 30 31, 8 डेज ये हो गए, और प्लस फेब के 5 डेज, तो दैट इज इक्वल टू 13 डेज। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि मंथ सेम है या अलग अलग है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। अगेन मार्च 21 एंड अप्रैल 1, तो डिफरेंस है कि मंथ ही बिल्कुल अलग पड़ गया। तो मार्च 21 से 31 तक, दैट इज 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो एग्जैक्ट 10 डेज है, प्लस 1 डे अप्रैल का, दैट इज 11 डेज। अब यहाँ पर देखिए, बिटवीन दिसंबर 16 एंड दिसंबर 28, अब मंथ सेम है तो हम कर सकते हैं 28 माइनस 16, तो हमें आंसर इजली मिल जाएगा, दैट इज 12 डेज। बस आपको ध्यान रखना है कि मंथ सेम है या नहीं है, उस हिसाब से आपको अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। तो होपफुली आपको अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब कैसे, मैं आपको बताती हूं। अब आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा है 3 जुलाई 1975। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहां पे मैंने पूरा मेंशन किया है, मंथ पूरा दिया है, और इसे आप शॉर्ट बेसिकली कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट कुछ ज़्यादा वो नहीं करना, मैं सिर्फ सिंपली कर सकती हूँ 3 7 1975, क्योंकि 7, अब जुलाई 7th मंथ होता है ईयर का, तो मैं लिखूंगी 3 7 1975। सिर्फ 75 इसलिए नहीं लिख सकती बिकॉज ये 19 का है, 1975, और अभी 2000 मिलेनियम चल रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि ये क्या होगा, इसलिए यहाँ पे हमें प्रॉपरली लिखना पड़ेगा 1975। लेकिन जहाँ पे अगर हो 2008 या कुछ, तो आप 08 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी 20th सेंचुरी चल रही है, सॉरी 20th मिलेनियम चल रहा है, तो हमें पता है। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के हम और क्वेश्चंस अब सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस लिख के दूंगी बोर्ड पर और फिर हम इकट्ठे सॉल्व करेंगे। तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लिए लिख दिए हैं, अब हम इन्हें रीड करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला लिखा है मैंने 25 नवम्बर 2003, तो 25 नवम्बर मीन्स 25 नवम्बर कौन सा मंथ है, 11th, तो हम 11 लिखेंगे, और 03, क्योंकि 2000 के हिसाब से जब सब कुछ चल रहा है, तो 03 हम लिख सकते हैं। इसी तरह से 1 जनवरी, फर्स्ट इज द डेट, मंथ है फर्स्ट मंथ, और 03 इज द ईयर। इसी तरह से 13 मार्च, ओके, और अब इंडिपेंडेंस डे,
हमें कब इंडिपेंडेंस मिला था? अगस्त 1947, जिसे हम कहेंगे 15/08/1947। तो आप एक बार लुक दे सकते हैं इसकी तरफ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट डेट विल इट बी? तो क्वेश्चन है व्हाट डेट इट विल बी। इसमें ऐसा पूछा जाएगा, जैसे सपोज आज जो डेट है उसके 5 डेज बाद या 10 डेज बाद क्या डेट होगी। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर हम इकट्ठे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 डेज आफ्टर 29th अगस्त। अगर हम चाहते हैं 5 डेज आफ्टर 29th अगस्त के, तो वो है 30 अगस्त, 31st अगस्त, 1st सितंबर, 2nd सितंबर, 3rd सितंबर। तो क्या डेट होगी हमारी? 3rd सितंबर। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस। सिर्फ द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि आपको कैलकुलेशंस का बहुत 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 ध्यान रखना है। जैसे अभी आपको ध्यान देना है अगस्त में कितने डेज होते हैं। अगस्त में 31 डेज होते हैं। तो कभी कभी कैसे होते हैं, सब लोग 30 डेज में ही काउंट कर लेते हैं और वो जो 31st डे रहता है वो रह ही जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अगस्त है, जुलाई है, जनवरी है, जो भी है उसमें अगर 31 डेज है तो उन्हें कैलकुलेट करें। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर डेज 31 एंड 30 डेज की बात चली है तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगी, शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगा। आप अपना ये जो हाथ है, हाथ की मुट्ठी इस तरह से बंद करिए और आप देख सकते हैं ये जो इधर है आपके हैंड पे, उस पर आप फोकस करिए। देखिए जनवरी, जनवरी मींस जो यहाँ पे पड़ेगा, जो ये आपको मोटी मोटी मतलब ये हड्डी जो आपको कुछ हड्डी टाइप में दिखेगा इधर पड़ेगा, जो भी मंथ उसमें 31 डेज होंगे और बाकी सब में 30 डेज होंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, स्टार्ट करते हैं जनवरी, फरवरी। फरवरी में हम सबको पता है 28 डेज होते हैं, अगर लीप ईयर है तो 29 डेज, और हर लीप ईयर आता है हमारा 4 ईयर्स के बाद। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। नाउ अब जुलाई यहाँ पे एंड होता है, जुलाई में भी 31 डेज होते हैं क्योंकि वो इधर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे जुलाई, अगस्त। अब अगस्त इधर आ रहा है तो अगस्त में भी क्या है, 31 डेज, क्योंकि जो इधर पड़ेगा वो है 31 डेज और जो ये बीच में पड़ेगा वो है 30 डेज, या फिर फेब के एक्सक्लूड करके 28 डेज। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, तो इस तरह से आपको करना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप देखेंगे कि प्रॉपर आपको पता लग जाएगा कि किस मंथ में कितने डेज हैं और आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट कुछ हेल्पफुल हो पाए इन सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं सारे क्वेश्चंस और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ये मैं क्वेश्चंस लिख चुकी हूँ सारे, तो अगर आप चाहें तो आप पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस लिख सकते हैं और फिर हम साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन है 2 डेज बिफोर 7th मई। अब 7th मई से 2 दिन पहले मीन्स 5th मई। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहां पे अगर आप ध्यान करें तो सेम मंथ था, क्योंकि 2 दिन का फर्क आप इजली फाइंड ऑफ कर पाएंगे कि मई में ही आएगा 2 दिन। तो आप देख सकते हैं, आप इजली माइनस करते तो 7 माइनस 2 आपको 5 मई मिल ही जाता। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 7 डेज आफ्टर 28th जून। 28th जून के बाद 7 डेज, दैट इज 29 जून, 30 जून, 1st जुलाई, 2nd जुलाई, 3rd जुलाई। तो यहाँ पे क्या होगा, 3rd जुलाई। अब आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे कितने डेज हैं, 30 डेज जून में।
तो चलिए अब करते हैं हमारा फोर्थ सम, जो है 3 days बिफोर 30th अक्टूबर। तो 3 days बिफोर 30th अक्टूबर कैसे होगा? अभी अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो यहाँ पे है 30th अक्टूबर और 3 days बिफोर मतलब सेम मंथ में ही पड़ेगा, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। तो अगर हम देखें, अब देखिए हम लोग बड़े हैं, हमें समझ आएगा कि ये इधर है, आप कैसे समझेंगे? जैसे 30th अक्टूबर है, ठीक है, यहाँ पे अब 3 days बिफोर, अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 31। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि 31 और 30 डेज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो बिल्कुल उसी तरह से आपने आइडेंटिफाई किया। अब मैं सेम मंथ में पढ़ रहा है तो 30-3 करूंगी और मुझे डेज मिल जाएंगे। तो चलिए मैं करती हूँ 30-3। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे रह जाएगा 2, 10-3 जो है 7 और 2। तो क्या डेट रहेगी 30 अक्टूबर से 3 दिन पहले? जो डेट रहेगी वो रहेगी 27th अक्टूबर। तो नेक्स्ट फिफ्थ सम करते हैं, 11 days आफ्टर 1st जुलाई। तो 11 days आफ्टर 1st जुलाई मतलब 1st जुलाई के बाद 11 days। अगर आप देखें सेम मंथ पढ़ रहा है तो यहाँ पे आप इजीली एडिशन भी कर सकते हैं, 11+1 दैट इज 12। तो डेट होगी 12th जुलाई। तो यहाँ पे फिनिश होता है आपके ये डेज कैलकुलेशन के सम्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं कराऊंगी इस लेसन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सम्स। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर।